ACL इंजरी के बाद आपको कितने दिन हॉस्पिटल आना है, हॉस्पिटल आने के बाद अगर आपकी सर्जरी हो जाती है तो उसके भी कितने दिन आपको हॉस्पिटल आना है, आज हम इस पे बात। तो दोस्तों, जब आपको किसी को भी ACL इंजरी होती है तो इंजरी होने के बाद सबसे पहले वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेनली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लोग जाते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके सिम्टम्स जान के, आपकी नी को एग्जामिन करके पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर कौन से लिगामेंट की चोट है, ग्रेड 1 टीयर है, ग्रेड 2 टीयर है, ग्रेड 3 टीयर, किस टीयर की चोट है, किस लेवल की चोट है। और उसके बाद हो सकता है वो आपको MRI कराने के लिए बोले। MRI के अंदर लिगामेंट दिख जाते हैं और मालूम पड़ जाता है कि आपको कौन से लिगामेंट की इंजरी है। मोस्ट कॉमन इंजरी ACL लिगामेंट की आती है। इसके बाद अगर वो लो ग्रेड टीयर है दोस्तों, तो लो ग्रेड टीयर में मैं ऑपरेशन की सलाह नहीं देता। ग्रेड 1 टीयर इडिमा स्ट्रेन, ये चीज़ हम PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। PRP आप ही के ब्लड से बनता है, मैं आपके ब्लड से ही प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकालता हूँ और वो आपकी नी में इंजेक्ट करता। अगर आपकी इंटरनल ब्रेस की सर्जरी की जाती है दोस्तों हाई ग्रेड टीयर में, तो आप 3 महीने में बैक टू स्पोर्ट्स चले जाते हो। ये एडवांस सर्जरी है, जो कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में जहाँ 6 to 9 मंथ्स लगते हैं ठीक होने में, बैक टू रनिंग जाने में, वहीं इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप में 3 मंथ्स में बैक टू स्पोर्ट्स जाता है पेशेंट। जब मैं कोई भी ACL का ऑपरेशन करता हूँ तो आपको 1 दिन के लिए पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट, मोस्टली पेशेंट को हम सुबह एडमिट करते हैं, उसी सुबह ऑपरेशन होता है और हम अगले दिन पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। क्योंकि ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की सर्जरी है ACL की, तो जब आप डिस्चार्ज होते हो अगले दिन तो आप बिना किसी सहारे के आराम से चल सकते हैं, बिना किसी पेन, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, किसी वॉकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर इंटरनल ब्रेस का सपोर्ट रहता है जो आपके लिगामेंट को ढीले होने से बचाता है। आपका नी बैंडिंग पहले दिन से चालू होता है 90 डिग्री और आपकी सारी डेली एक्टिविटीज आप बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हैं। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को हर वीक 1 बार कॉल करते हैं और उनको नई एक्सरसाइज सिखाते हैं, उनकी नई एक्सरसाइजेज कौन कौन सी कर रहे हैं उसको रिव्यू करते हैं। ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत। अगर आप हमारे सेंटर के या सिटी में जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वहाँ आसपास रहते हैं तो 15 दिन के बाद आपको 1 बार मेरे से मिलना पड़ता है, जिस समय आपके हम स्टिच निकालते हैं और आपको नई एक्सरसाइजेज सिखाते हैं। तो मोस्टली पेशेंट मेरे पास 1 बार आता है सर्जरी के बाद, वो की है 15 दिन के बाद, जिसमें उनके टाँके निकालते। इसके बाद कोई पेशेंट कभी कभार आते हैं, जनरली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती? क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है, आपको गाइडेड एक्सरसाइज की ज़रूरत है जो सिर्फ ACL स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हो। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट आपको हर वीक ये एक्सरसाइजेज सिखाते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन रिव्यू करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे, एक हमारा ACL ग्रुप है, ACL विनर फेसबुक पे, उसके अंदर अपनी एक्सरसाइजेज डालते हैं ताकि मैं देख पाऊँ कि आप एक्सरसाइजेज कैसी कर रहे हैं। उस ग्रुप के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो आप अभी भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पेशेंट से बात। तो अगर आपको लगता है कि आपके MRI में ACL इंजरी लिखी भी है और आपको बहुत सारे सवाल हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कितने दिन हॉस्पिटल रहेंगे, कितना खर्चा आएगा, कैसे मैं ठीक हूँगा, कब तक मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा, तो आप हमें अपने MRI WhatsApp कीजिए और इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे निःशुल्क। हम रखें आपका ख्याल।